आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को आज सिविल लाइन थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अवैध संबंधों के चलते नीलेश सेन की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने वाले 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ईदगाह मोहल्ला से तब्बू उर्फ अरवाज पुत्र यूनिस खान निवासी ईदगाह मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तब्बू उर्फ अरवाज खान ने 28 अप्रैल 2017 को प्रेमिका नंदिनी केवट और अपने दोस्तों के साथ निमलेश सेन की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर सिविल लाइन टीआई नरेंद्र शर्मा एवं सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह यादव की कार्यवाही। हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को आज सिविल लाइन थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अवैध संबंधों के चलते नीलेश सेन की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने वाले 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ईदगाह मोहल्ला से तब्बू उर्फ अरवाज पुत्र यूनिस खान निवासी ईदगाह मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तब्बू उर्फ अरवाज खान ने 28 अप्रैल 2017 को प्रेमिका नंदिनी केवट और अपने दोस्तों के साथ निमलेश सेन की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर सिविल